तो कैसी लग रही है फ्रेंड्स देसी चना की चटनी? हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे देसी चना की चटनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चटनी की रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 50 ग्राम चना लेके उसे रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया और 7 से 8 हरी मिर्च, 2 प्याज मीडियम साइज के और आधी से थोड़ी कम नींबू और 7 से 8 लहसुन की कलियां लिया है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे, हम फ्राई पैन लेंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में भी इसे भून सकते हैं। तो उसे हम उसमें हम 2 चम्मच डालेंगे। उसके बाद हरी मिर्च और प्याज हम डालेंगे इसमें और इन सबको हम थोड़ा सा पहले हम रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन निकल जाए, बस केवल कच्चापन इसका निकालना है। तो इसे अच्छे से आप इसका कच्चापन निकाल लें। बस 3 से 4 मिनट केवल रोस्ट करना है इसे और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है चने की चटनी। तो उसके बाद हम यहाँ पे 7 से 8 जो लहसुन की कलियाँ हमने छील के रखा था उसे डालेंगे। पहले हम नहीं डालेंगे, नहीं तो जल जाएगी। तो ये देखिए हमारा प्याज भी हल्के से कलर चेंज हो गया है और मिर्च का भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो आप इसी तरह से लगातार इसे तेज फ्लेम पे इसे फ्राई करके उसके बाद हम चना को डालेंगे। चना जो ये वेट में लगभग 50 ग्राम के आसपास हमने भीगने के लिए दिया था। तो इस देसी चने को फ्रेंड्स काला चना भी बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और इस प्रकार से आप झटपट इसकी चटनी आप बना सकते हैं अपने घर में। आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया ये रोस्ट हुआ है। आप इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से ये जो चना है हमारा सिक जाए। तो ये आपको देखने से पता चल रहा होगा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये देखिए फाइनली इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये फाइनली रोस्ट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलेंगे। एक मिक्सी जार लेंगे, आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमने यहाँ पे मिक्सी जार में से इंस्टेंट पीसा है तुरंत। तो मिक्सी जार में से डाल के इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसको। तो अब हम नमक डालेंगे इसके स्वाद के अनुसार। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने लगभग आधी गिलास डाला है, आप अपने हिसाब से थिकनेस इसका रख सकते हैं कम या ज़्यादा। तो ये देखिए हमारा ये झटपट देसी चना की चटनी बन के तैयार है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने ये रेसिपी अभी तक बनाई कि नहीं और कैसी लगी रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।